हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईशान डिजाइन्स में। तो आज हम एक छोटी सी छत भराई पे आए हैं, जहाँ पे 20x30 की छोटी सी छत भराई है। यहाँ पे हम वंडर प्लस का सीमेंट काम में ले रहे हैं और छत इतनी छोटी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के पाइप एक इस तरफ लगे हैं, एक दूसरा पाइप उस तरफ लगा है, इतने में ही छत खत्म हो गई। जनरली क्या होता है, ऐसी छतें घरों के अंदर बड़े दो हॉल होते हैं, एक इतनी हॉल की साइज़ की ही ये छत है, लेकिन यहाँ पे इस छत की भराई हो रही है। घर इस तरह से है, यहाँ पे भी पहले दीवार बनी हुई थी, इस तरफ भी एक दीवार बनी हुई है, इस तरफ भी एक दीवार बनी हुई है, और इसके बीच में पहले पुराना घर था। तो अब इसके अंदर क्या किया है, सिर्फ पीछे की तरफ में एक OTS ले रखी है, यहाँ किचन दी है और यहाँ हॉल दिया हुआ है। यहीं हॉल के अंदर सीढ़ी भी है, इसके आगे के हिस्से में ये पूरा पूरा रूम रहेगा बाद में, जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 8 फीट लंबा है। और अगर बात करें ऊपर की सीढ़ी की, तो ऊपर की सीढ़ी भी यहाँ से वापस घूम के ऊपर जाएगी। यहाँ पीछे वॉश एरिया के लिए जगह छोड़ेंगे और ये पूरी पूरी OTS पीछे रह जाएगी। इसके आगे के हिस्से में यहाँ एक बेडरूम आ जाएगा। तो ये छोटे से हिस्से के अंदर काफ़ी सारा सीमेंट भर दिया है हमने, और यहाँ जो भराई हो रही है वो वंडर प्लस सीमेंट से हो रही है। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक चीज़ कि यहाँ कारीगर ने क्या किया है कि छत भराई के अंदर पानी की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रख दी है। जैसे वो देखिए, पीछे एक घंटा पहले वहाँ पे छत भराई हुई थी, अभी भी इसके ऊपर जो चमक आपको दिख रही है ये सब पानी की चमक है। तो पानी की लेयर काफ़ी लंबी है, ये काफ़ी टाइम पहले भरी थी इन्होंने, लेकिन मैं यहाँ अवेलेबल नहीं था, इस वजह से मैं बता नहीं पाया। अभी मैं आया हूँ तो यहाँ पे हमने छत भराई भी बंद करवा दी है। मैं अभी थोड़ा इसका पानी सूख जाए और वहाँ जो पहले वाला एक्सेस पानी है वो निकल जाए, उसके बाद आगे की भराई करवाएंगे। और साथ में अगर आप यहाँ देख सकते हैं, सरिया हमने यहाँ एक स्लैब बीम बांधा हो जो आगे तक जा रहा है, इस तरफ में एक स्लैब बीम बांधा हो जो आगे की तरफ जा रहा है, वहाँ एक स्लैब बीम और है जिसको आगे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे इतना ज़्यादा हैवी सरिया लेने का रीज़न है कि यहाँ की तरफ में छत पे लोड आएगा। एक तो पहले यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम है, इसके ऊपर एक RCC का स्ट्रक्चर फ्रेम लगेगा, जिसके ऊपर इस तरह से कोई पत्थर लगेगा, जो जोधपुरी स्टोन का पत्थर होता है, पत्थर का खुद का वेट जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, इसकी वजह से यहाँ क्या सरिया थोड़ा एक्स्ट्रा काम में लिया गया है। एक्चुअल में यहाँ सरिया इतना ज़रूरत नहीं थी, फिर भी क्रैंक उठाने के बाद यहाँ डबल जाली में छज्जे के ऊपर सरिया लगाया गया है। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे क्रैंक उठा रखी है, पहले एक सिंगल जाली चल रही है, एक ऊपर जाली लेयर है, एक नीचे लेयर है, आगे की तरफ में छज्जा लगा हुआ है, और 4 इंच बाय 4 इंच के सेंटर से हमने यहाँ पे जाली लगाई हुई है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट जो है, यानी कि जो सर्किट है मेन, वो सर्किट सारा यहाँ उतरेगा। यानी जो नीचे से मीटर से वायर आएगा, इस वायर से पाइप से होके ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, और ये छज्जे के अंदर 4 इंच बाय 4 इंच के छोटे छोटे गैप से सरिये बांधे हुए हैं, बीच बीच में 16 mm के सरिये डाले हुए हैं, ताकि अगर इनकेस इसके ऊपर लोड आता है तो लोड वो प्रॉपर वे में झेल पाएंगे। इस तरह से सरिया बांधा गया है। और एक चीज़ आप नोटिस करें, यहाँ लेवल गिट्टी है, यहाँ लेवल गिट्टी है, लेवल गिट्टी भी सब जगह यूज़ कर रखी है। और सीमेंट का अगर लोच देखेंगे आप, तो लोच काफ़ी गीला है, लेकिन ये प्रॉपर वे में बना हुआ है, क्योंकि वंडर प्लस है तो इतना ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं है, क्योंकि मैं कॉन्क्रीट स्पेशल सीमेंट ही प्रेफर करता हूँ। और यहाँ देखिए, ज़्यादा पानी होने की वजह से खाली सीमेंट जो है वो ऊपर की तरफ तैर के बाहर आ रहा है। तो बेटर वे यही होता है कि आप पानी कम से कम यूज़ करें। यहाँ पे भी आपका एक्सेस पानी दिखेगा, तो जितना कम पानी यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। अब जब इसके ऊपर वाइब्रेटर चलाया जाएगा तो ये पूरा एरिया सेटल हो जाएगा। तो 5 मिनट बाद इसके ऊपर वाइब्रेटर हम चलाएंगे, ज़्यादा पानी सेटल होने के बाद। और यहाँ हमने सीढ़ियाँ ऑलरेडी भर दी है, तो सीढ़ियाँ कुछ इस तरह से भरी हुई, सीधी स्ट्रेट सीढ़ी है, और सामने की साइड कॉलम लगा हुआ है, एक सामने कॉलम लगा हुआ है, तो 20 फीट के अंदर इस तरह से कॉलम है, और पीछे की तरफ OTS दी हुई है, और यहाँ पानी बहुत ज़्यादा एक्सेस में है। तो अब आप अपने घर की जब भराई करवाएं छत की, तो एक चीज़ याद रखें कि आपको अननेसेसरी यानी कि एक्सेस पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। लेबर अगर आपकी बात नहीं सुनती है तो छत भराई आप रुकवा सकते हैं, उनको कहिए कि मैं छत भराई नहीं करूँगा या फिर नहीं करवाऊँगा, या फिर आप उनको पेमेंट के लिए रोक सकते हैं, तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। अभी मैं नीचे चल के आपको दिखा देता हूँ मकान मालिक का चेहरा, बस जो सीमेंट हमने काम में लिए वहाँ पे। तो यहाँ हो गया कंप्लीट सारा काम, जैसे नीचे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मिक्सर लगा हुआ है, यहाँ मकान मालिक खड़े हैं, ठेकेदार भी है, और मैं सीमेंट भी आपको दिखा देता हूँ। सीमेंट हमने यहाँ पे वंडर प्लस सीमेंट काम में लिए, यहाँ पूरी ओपन करें, कंक्रीट स्पेशल सीमेंट है पूरी, और वंडर प्लस वैसे PPC सीमेंट है, ज़्यादातर आपने बैग देख ही रखा होगा वंडर का, तो वंडर प्लस सीमेंट ये है।
ब्लैक कलर के बैक पैक में आता है, रेड कलर की पैकेजिंग है। और यहाँ लगभग हमने 40 कट्टे यूज़ किए हैं अभी तक सीमेंट के, और लास्ट में जब छत भराई ओके रहेगी तब मैं आपको और बता दूंगा कल। यहाँ अगर आप सीमेंट की क्वालिटी देखेंगे तो सीमेंट की क्वालिटी आपको दानेदार दिखेगी, चिकना प्लास्टर आता है इसके अंदर। जब छत भर के रहेगी तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारा सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, लेकिन ये दानेदार प्ला आता है सीमेंट, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा आती है। और प्लस के अंदर सिलिका जेल जो है वो ज़्यादा बनती है, CSF जेल की वजह से स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है। यहाँ जब ये कंप्लीट हो जाएगी एलिवेशन की भराई तब मैं आपको और डिटेल दिखा दूंगा। तब तक के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस को ज़रूर चेक करें, और अगर आप वंडर प्लस सीमेंट लेना चाहते हैं तो मैंने नीचे लिंक दे रखी है, वहाँ पर जाके आप वंडर प्लस की प्राइस की इंक्वायरी करें। प्राइस इंक्वायरी के कोई पैसे नहीं है और ना ही आपको किसी को पे करना है, लोकल वहाँ के डीलर आपको मिल जाएंगे, डीलर से सिर्फ प्राइस इंक्वायरी करें। अगर आपको सही लगता है तो ही सीमेंट परचेस करें, सीमेंट परचेस करना कोई ज़रूरी नहीं है, आपको खाली प्राइस के ज्ञान के लिए ही उस लिंक पर क्लिक करके आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।